अस्सलाम वालेकुम जुडिशियल एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल जज सिलेबस सिंध हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट के सिविल जज के सिलेबस का हम इसमें डिस्कस करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का जो सिविल जज का सिलेबस है वो उसमें दो टेस्ट लिए जाते हैं, दो टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा है आपका रिटन टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट जो पहला टेस्ट होता है वो उसमें वो आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक हो गया, जिसमें आपका 25% इंग्लिश है, 25% जनरल नॉलेज और 50% आपका लास्ट सब्जेक्ट्स पे होता है। ये टोटल एमसीक्यूज पेपर होता है 100 नंबर का, एमसीक्यूज का, ठीक हो गया। अब जो इंग्लिश का है मैक्सिमम पोर्शन आपका ग्रामर का होता है इंग्लिश में। जनरल नॉलेज में आपका इस्लामियात भी आ जाता है, जनरल नॉलेज भी आ जाता है, करंट अफेयर्स भी आ जाता है और एवरीडे साइंस भी आ जाता है, ठीक हो गया। बाकी जो रह गया लॉ पोर्शन, लॉ पोर्शन को मैंने आपको फर्दर दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। बाकी लॉ जो पोर्शन है उसमें वो 50 नंबर का होगा, ठीक हो गया, 50 नंबर का। इसमें आपका जो PPC पाकिस्तान पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड, उसके अलावा कानून शहादत आर्डर और उसके अलावा मुस्लिम फैमिली लॉज, यहाँ ये आप 5 सब्जेक्ट कर लेते हैं अच्छी तरह तो आपके कोई 35% MCQs इन्हीं पेपर्स में से आते हैं, ठीक है, इन्हीं एक्ट्स में से आते हैं। 35 आपके MCQs मोस्टली इन्हीं में से आ जाते हैं। बाकी जो 15% आ जाते हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कंट्रैक्ट एक्ट, प्रीएम्प्शन एक्ट और उसके अलावा एंटी करप्शन एक्ट और जो आपके लोकल लॉज हैं वहाँ से आते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट 100 मार्क्स होता है, उसमें पासिंग मार्क्स आपके 50% होते हैं, ठीक हो गया। बाकी जो अगला होता है रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के लिए वो कोई हमें सिलेबस नहीं बताया जाता, सिलेबस कुछ नहीं होता वो, उसके लिए जो मेन यही है कि आपका जो मेन लॉज हैं जैसे आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके अलावा पाकिस्तान पिनल कोड, उसके अलावा आपका कोड ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर, उसके अलावा कानून शहादत आर्डर, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ तक जो आपका कोई 80% आपका जो रिटर्न है वो यहाँ से बनता है, ठीक है, यही नहीं सब्जेक्ट में से बनता है। बाकी 20% आपको जो छोटे माइनर एक्ट्स हैं आपके वहाँ से आ जाता है। मतलब अगर आप यही CPC, CRPC, QSO और उसके अलावा CPC, PPC, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब आपका एक्ट अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपका रिटर्न भी पास हो सकता है, ठीक है। फर्दर आपको मज़ीद डिटेल के साथ बताया जाएगा कि जो अगर जब सीटें अनाउंस होंगी। थैंक यू सो मच।